रामायण के ये सबूत आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, रामायण से दुनिया भर के हिंदुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल पैदा होता रहता है कि क्या रामायण की घटना वास्तविक घटना है? क्या भगवान श्री राम और रावण के बीच सच में युद्ध हुआ था? यदि हाँ तो फिर इसके क्या सबूत हैं? इस तरह के सवालों के पीछे की वजह ये है कि कई इतिहासकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि रामायण ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ होने के बजाय एक साहित्यिक रचना है जो कल्पनाओं पर आधारित है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे प्रमाण दिखाने वाले हैं जो इस बात को साबित करता है कि रामायण सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। वर्तमान में भारत और श्रीलंका में 50 से ज्यादा ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण के सच होने का ठोस प्रमाण है। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के द्वारा लंका जलाए जाने के प्रमाण, राम सेतु के प्रमाण, हनुमान जी के कदमों के निशान समेत कई और प्रमाण भी दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में हम रावण से जुड़ा एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा भी करने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो खुलासा ये है कि रावण का मृत शरीर आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित किया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। रामायण की इस घटना से तो हर कोई भली भांति परिचित है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान जी के द्वारा द्रोणागिरी पर्वत श्रीलंका ले जाए जाने के कई प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे और उन्हें संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं। इन जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। जब हनुमान जी संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका ले जा रहे थे, तब इस पहाड़ का एक टुकड़ा श्रीलंका के रीतिगाला में और दूसरा टुकड़ा नुवारा एलिया शहर के करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में गिरा था। इसके अलावा श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जहां इस पहाड़ के टुकड़े के गिरने की बात की जा रही है। जहां जहां इस पहाड़ के टुकड़े के गिरने के दावे किए गए हैं, उन सभी जगहों की खासियत ये है कि वहां की मिट्टी और इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं। हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश का मिलना और इन खास जगहों की मिट्टी और पेड़ पौधों का यूं बदल जाना रामायण की घटनाओं की वास्तविकता को दर्शाता है। नंबर दो, सीता माता को हरण के दौरान रखा गया था इन स्थानों पर। श्रीलंका के सिगिरिया में स्थित कोबरा हुड केव की जांच श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के द्वारा भी की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी जांच में पाया है कि यह गुफा पूर्णतः प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इस गुफा के निर्माण को लेकर तो कोई रहस्य नहीं है, लेकिन असल रहस्य इस गुफा के आकार को लेकर है। इस गुफा का आकार फन फैलाए हुए कोबरा की तरह है, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसके निर्माण में किसी भी इंसान का हाथ नहीं है। इस गुफा का ये आकार कई सारे सवालों को पैदा करता है और फिर यहीं से इसका संबंध रामायण से जुड़ जाता है। कहते हैं कि रावण जब माता सीता को अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा, तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। हैरानी की बात यह है कि इस गुफा की दीवार पर असुर द्वारा माता सीता का हरण किए जाने के चित्र बने हुए हैं। यही सभी चित्र ईसा पूर्व युग के हैं। जब रावण माता सीता को लेकर अपने महल पहुंचा, तो माता सीता ने महल में रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया। माता सीता अशोक के जिस पेड़ के नीचे बैठा करती थी, वो जगह सीता एल्या के नाम से मशहूर है। 2007 में श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने सीता एल्या का अध्ययन करने के बाद इस बात की पुष्टि की कि सीता एल्या ही अशोक वाटिका है। वर्तमान में ये जगह नुवारा एलिया में स्थित है, जो हकगाला बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। अब यदि रामायण काल्पनिक होता, तो फिर अशोक वाटिका या सीता एल्या का भी कोई अस्तित्व ना होता। नंबर तीन, हॉट वेल्स ऑफ कन्या। रामायण के कई सारे प्रमाणों में से एक प्रमाण गर्म पानी का कुआं भी है। रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रावण ने कन्या समेत श्रीलंका के अलग अलग मंदिरों के पास गर्म पानी के कुओं का निर्माण कराया था। वर्तमान में बाकी गर्म पानी के कुओं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन त्रिंकोमली शहर के कन्या में आज भी गर्म पानी का कुआं देखा जा सकता है, जो कि रामायण के वास्तविकता का जीता जागता प्रमाण है। इस जगह पर चौकोर आकार में बनाए गए 7 कुएं मौजूद हैं। इन सभी कुओं की गहराई मात्र 3 से 4 फीट है, लेकिन इन कुओं में सालों भर गर्म पानी मौजूद रहता है। इस कुएं की ऐतिहासिक महत्वता को देखते हुए इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नंबर चार, जले हुए लंका का प्रमाण। हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगाए जाने की घटना रामायण की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। जब हनुमान जी माता सीता से मिलने लंका गए, तब रावण को इस बारे में पता चल गया कि हनुमान जी माता सीता को मुक्त कराने आए हैं। इसके बाद रावण गुस्से में आकर हनुमान जी को इसका सबक सिखाने का फैसला करते हैं।
उसने हनुमान जी को पकड़वा कर उनके पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी के ऊपर तो भगवान राम का आशीर्वाद था, तो रावण उनका क्या बिगाड़ सकता था। हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के बाद रावण की ये चाल उसी पर भारी पड़ गई और हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी। लंका में आग लगाए जाने की इस घटना के कुछ प्रमाण आज भी मौजूद हैं। जिस स्थान पर रावण का महल होने की बात कही जाती रही है, उस स्थान पर कुछ जगहों की मिट्टी आज भी काली पड़ी हुई है। विशेषज्ञ आग के इस निशान को हनुमान जी के द्वारा लंका जलाए जाने का प्रमाण मानते हैं। नंबर 5, हनुमान जी के कदमों के निशान। कदम कदम पर भगवान राम का साथ निभाने वाले हनुमान जी के कदमों के निशान आज भी श्रीलंका और आंध्र प्रदेश में देखे जा सकते हैं। हनुमान जी के विशाल पैरों के ये निशान रामायण की वास्तविकता का एक और जीता जागता प्रमाण है। श्रीलंका में उनके कदमों के निशान नुवारा एलिया के पत्थर पर देखे जा सकते हैं। कदमों के निशानों के बारे में कहा जाता है कि जब हनुमान जी भारत से श्रीलंका गए थे, तब पहली बार उन्होंने इसी चट्टान पर लैंड किया था। चट्टान पर उतरते समय उनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि चट्टान नीचे तक धस गई, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के और भी कई जगहों पर इनके कदमों के निशान हैं। हनुमान जी के कदमों का एक और निशान आंध्र प्रदेश के ले पक्षी इलाके में चट्टान पर देखा जा सकता है। ले पक्षी इलाके का संबंध भी रामायण से है। माता सीता को कैद से बचाने के लिए रावण के साथ हुई लड़ाई में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। अंतिम सांसें गिन रहे जटायु के पास भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी आए और फिर भगवान राम ने ले पक्षी शब्द कहा, इसके बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद से ही इस इलाके को ले पक्षी नाम से जाना जाता है। नंबर 6, राम सेतु। रावण के साथ युद्ध करने के लिए भगवान राम और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए पानी के ऊपर पत्थरों से पुल का निर्माण किया था। ये पुल 30 किलोमीटर लंबा था, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। संभवतः राम सेतु रामायण की प्रमाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। राम सेतु के मौजूद होने की पुष्टि नासा और डिस्कवरी चैनल के द्वारा भी की जा चुकी है। यहाँ तक के जियोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि भारत और श्रीलंका 1480 तक प्राकृतिक रूप से बने जमीनी पुल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये पुल एक भयंकर साइक्लोन में नष्ट हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनामी के दौरान राम सेतु के कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। रामेश्वरम में उन पत्थरों को जब दोबारा से पानी में डाला गया, तो वो सभी पत्थर पानी में तैरने लगे, जबकि उस जगह पर जब कोई मामूली पत्थर डाला गया तो वो आसानी से डूब गया। उन पत्थरों से ये साबित हो गया कि राम सेतु का निर्माण हकीकत में किया गया था। नंबर 7, फोर टस्क्ड एलिफेंट्स। रामायण के सुंदरकांड में इस घटना का उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी लंका में दाखिल हुए थे, तब वहां उन्होंने देखा था कि रावण के महल की सुरक्षा 4 दांत वाले हाथी कर रहे हैं। 4 दांत वाले हाथी काफी ज्यादा लंबे चौड़े थे और ये सभी बाहरी आक्रमणकारियों से रावण के महल की सुरक्षा किया करते थे। वर्तमान समय में दुनिया में केवल 2 दांत वाले हाथी पाए जाते हैं, तो वैसे में 4 दांत वाले हाथियों का जिक्र काल्पनिक ही लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कभी 4 दांत वाले हाथी भी पाए जाते थे, जिनका आकार आज के हाथियों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था। ऐसे हाथियों का जीवाश्म भी बरामद किया जा चुका है। 4 दांत वाले हाथी, जिन्हें ट्रिलोफोडोन, टेट्रालोफोडोन या गोम्फोथेरियम कहा जाता है, इन्हें हाथियों का पूर्वज माना जाता है और लगभग 20 मिलियन साल पहले दुनिया में इनका अस्तित्व हुआ करता था। भले ही ये जीव रामायण काल से काफी पहले इस दुनिया से विलुप्त हो गए थे, लेकिन इन जीवों का जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि रामायण में उल्लेखित ये जीव काल्पनिक नहीं थे। नंबर 8, रावण का शव। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साथ मिलकर रावण के शव को खोज निकालने का दावा किया है। अधिकारियों के अनुसार रावण का शव श्रीलंका में ही रगला के घने जंगलों में 8,000 फीट ऊंचे चट्टान पर बने गुफा के अंदर ममी के रूप में मौजूद है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था, तब उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उसके भाई विभीषण को दे दी गई थी। लेकिन विभीषण लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण के शव को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसके शव को नाग कुल के लोग ले गए। नाग कुल के लोगों का मानना था कि रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। उन लोगों ने रावण को जीवित करने की कई कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तब रावण के शव को कई तरह के केमिकल लगाकर ममी बनाकर 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े एक ताबूत में सुरक्षित रख दिया गया। इस ताबूत के ऊपर एक खास लेप चढ़ाया गया था, जिससे कि हजारों सालों के बावजूद ये ताबूत आज भी सुरक्षित है। रगला का घना जंगल कई प्रकार के खूंखार जानवर और जहरीले सांपों का घर है। कहते हैं कि जहरीले नाग और खूंखार जानवर इस गुफा में रावण के शव की रक्षा करते हैं, जिस वजह से कोई भी इंसान इस गुफा तक नहीं पहुंच पाता है। एक और मान्यता है कि रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस ताबूत के नीचे ही रावण का बेशकीमती खजाना भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े कुछ प्रमाण।
उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। रामायण से जुड़े इन प्रमाणों के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।